कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर आने वाले नागपुर के मशहूर बिजनेसमैन पैरे खान, इनका 4 मई यानी आज जन्मदिन है। इस मौके पर देश के ऑक्सीजन मैन और हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन पैरे खान को शुभेच्छा देने समाज के गणमान्य लोगों का तांता लगा हुआ था। पैरे खान ने सादगीपूर्ण तरीके से अपना जन्मदिन मनाकर लोगों को एक दूसरे के प्रति मदद करने का संदेश दिया। जन्मदिन के मौके पर विविध सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, निशुल्क आंखों की जांच एवं निशुल्क चश्मों का वितरण किया गया। इस शिविर का लाभ बड़ी संख्या में परिसर के नागरिकों द्वारा लिया गया। आपको बता दें कि कोरोना के संकट में कई मदद के हाथ आगे आए। इसमें एक नाम उभर कर सामने आया, पैरे खान, उन्होंने अपने अद्भुत कार्य से समाज के लिए आदर्श स्थापित किया है। कोरोना संकट में नागपुर के पैरे खान ने भी मदद की पहल की। वे हमेशा जरूरतमंदों को मदद करने के उद्देश्य से सामाजिक कार्य करते हैं। इसी के मद्देनजर आज अपने जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया और समाज के सामने एक आदर्श रखा है। इस अवसर पर सुबह से ही पैरे खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लोगों का तांता लगा हुआ था। इस समय दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते द्वारा पुष्पगुच्छ देकर शुभेच्छा दी गई, तो वही BCN न्यूज एवं नागपुर मेट्रो समाचार के डायरेक्टर इमरान शेख द्वारा भी पुष्पगुच्छ देकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान पैरे खान द्वारा BCN न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें देश के लिए काम करना चाहिए। मैंने यहां पैसा कमाया है और मुझे पैसा वापस देना है। मुझे नहीं लगता कि यह दान है, मुझे लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है। देश ही नहीं, देश दुनिया में जो ऑक्सीजन मैन के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं और साथ ही वो अब हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन है प्यारे जिया खान, इनका आज जन्मदिन है और बहुत ही अनोखे तरीके से वो जो है हर कार्य करते वैसा ही जन्मदिन आज वो मना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ पे जो है स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है जन्मदिन के अवसर पर। हर बार की तरह आप जो है ज़रूरतमंदों को जो है हमेशा हम देखते हैं कि मदद करते रहते हैं और आज जन्मदिन है, इस मौके पर भी आपने कुछ ऐसा ही इंतज़ाम किया है, क्या बताना चाहोगे आज? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक अच्छा काम करना चाहिए ना कि लाइफ की कुछ भी अच्छा काम करना चाहिए, बस उसी और हम हर किसी का फर्ज है कि जो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो एक शिविर, ऐसे 3 शिविर चल रहे हैं, एक यहाँ पे एक चश्मा वितरण है, उधर है एक वीरगांव में भी, तो ऐसे शिविर चल रहे हैं गरीबों के लिए, बस वही एक अच्छा काम है मेरे नज़र में। आज आपका जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं दुआएं आपको मिल रही है, इसी बीच आपने क्या संकल्प किया है? नहीं अभी क्या है, अभी मेरे को गरीबों के लिए काफ़ी काम करना, क्या देखिए जीवन तो एक जीवन में कई पड़ाव आते जाते रहते, लेकिन इस पड़ाव में जीवन के अगर ये गरीबों के लिए कुछ काम करते करते भी अगर हम निकल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, वो समय कुछ गरीबों के लिए निकल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो हमने देखा कि जो है अनोखे तरीके से जन्मदिन जो है आज मनाया जा रहा है, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और ज़रूरतमंदों के लिए कार्य करने की इच्छा जो है यहाँ पर जताई गई। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।